हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल पर। सेल का शेयर बहुत फोकस में है बिकॉज सेल से रिलेटेड रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है। स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई का लेवल दिखाया था 19 जनवरी 2023 को। 94 का हाई इस स्टॉक ने लगाया था, उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूस डिक्लाइन दिखा रहा है। अब स्टॉक के लिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे, इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में 9 जून को बताया है कि कंपनी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अराउंड 8.26 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और अपनी होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज करी है। LIC पहले इस कंपनी में 6.686% का स्टेक होल्ड करती थी। LIC ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। अब LIC का स्टेक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में हो गया है 8.687% का। LIC ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज करी है, तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर्स के लिए? फंडामेंटली अगर हम इस स्टॉक को एवेल्युएट करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का 34,511 करोड़ का। स्टॉक का करंट प्राइस 84 रुपीज का चल रहा है एंड हाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई 94 रुपीज है, लो का लेवल है 64 रुपीज का। बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव बात है। बुक वैल्यू है इस शेयर के लिए 133 रुपीज, तो बुक वैल्यू से भी नीचे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 17.3 का एंड इंडस्ट्री का पी है 14.2 का, तो इंडस्ट्री से ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड दिख रहा है। ROC 5.95% का है एंड ROE 3.64% का है। ROC एंड ROE ज्यादा नहीं है, फेस वैल्यू 10 है, सो स्प्लिट इस स्टॉक में हो सकता है। EPS है कंपनी का 5.27 रुपीज का। डेट है कंपनी पे 30,773 करोड़ का एंड डेट टू इक्विटी है 0.56 का। प्रमोटर की स्ट्रांग होल्डिंग है इस कंपनी में, 65% स्टेक इस कंपनी में प्रमोटर होल्ड करते हैं। मेजर प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेल एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का अच्छा है, 10.4% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में अच्छी नहीं हुई है। मार्च क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़ी है 1% के हिसाब से। लास्ट ईयर मार्च से कंपनी की सेल इस ईयर मार्च में सिर्फ 1% ही बढ़ी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हुई है। सो प्रॉफिट में डिक्लाइन कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर मार्च से 84% का प्रॉफिट में डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, मार्च क्वार्टर में FII ने भी अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है एंड DII ने भी अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है। सेल में डिविडेंड भी रिकमेंड हुआ है 25 मई 2023 को। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है 5% का। रुपी टर्म्स में अगर देखें तो 0.5 रुपी पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड इस कंपनी में रिकमेंड हुआ है। ये फाइनल डिविडेंड है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, सो ये फाइनल डिविडेंड अप्रूव होगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। बट एनुअल जनरल मीटिंग की डेट और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं करी है। जैसे ही अनाउंस होगी हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कंपनी ने इस ईयर में 1 रुपी का इंटरम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। टोटल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है 1.5 रुपी पर शेयर के हिसाब से। एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए क्या टारगेट दिए हैं, टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक के लिए क्या लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एनालिस्ट के टारगेट्स अगर हम देखें, 5paisa.com के एनालिस्ट के टारगेट आए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के लिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 90 से 92 रुपीज का एंड बाय की रिकमेंडेशन एनालिस्ट ने स्टॉक को दी है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें, शेयर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, फिर इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया और अब ये ऊपर के लेवल पे स्टेबल भी हो रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ता है तो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है 86 रुपीज पे और अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 82 का लेवल। ये मेरा व्यू है सेल के टेक्निकल चार्ट के बारे में। कोई बाइंग एंड सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले अपने एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।